हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। टीकाकरण की महत्वता के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी श्रीलंका करेगा। यह बिम्स्टेक का 5वां सम्मेलन है। बाफ्टा पुरस्कार के 75वें संस्करण में द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। बेस्ट एक्टर का खिताब बिल स्मिथ को तथा बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जोआना स्कैनलन को मिला। कर्नाटक के बेंगलोर में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने एरो स्पेस डोमेन के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक और फाइबर ऑप्टिक्स इंटरकनेक्शन के क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए सेस्मोस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हेल का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके अध्यक्ष और MD आर माधवन है। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में ही एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने की थी और 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में अपने नए लॉन्च वाहन SSLV के लिए नए विकसित सॉलिड बूस्टर स्टेज का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। यह आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित किया गया। पहली बार भारत का इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व भर में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने UK को पीछे छोड़ा है। SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से जम्मू एंड कश्मीर बैंक को सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2017 से 2021 के बीच हथियारों का सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय होगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।